औरत कौन है भाई, क्या घसीट के लेके जा रही है इसे? सुनो, रुको वहीं पे, सुनो। मोहिनी, मुझे छोड़ो, मुझे जा। व्हाट, कहाँ जा रही हो? अब वो घर पे भी? आप लोग ऐसा चुप कैसे रह सकता है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मोहिनी भी अभी बाहर गई। मोहिनी, इमारत को जाके उठाइए ना, प्लीज गो। चुप करो तुम, कोई किसी को नहीं उठाएगा। मैं, तुम ये खून साफ करो। तो तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जाके मोहिनी को लेकर आओ। हाँ। खून साफ करो मतलब? What is the meaning of that? आप लोग ऐसे नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हो? किसको मारा यहाँ पे? आप सबको सब कुछ पता है, राइट? मोहिनी, कहीं नहीं दिख रही, कहाँ गई होगी यार? You know what? I think you should call the cops. कोई कॉप नहीं आएगा इस घर में, समझी तुम? मेहमान हो ना, मेहमान बन के रहो। जो कुछ देखा तुमने भूल जाओ उसे, वरना सुनाया तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। चलो जाओ अपने रूम में। मोहिनी कहीं नहीं दिख रही। क्या मोहिनी कहीं नहीं दिख रही? अब इस करके सारे राज बाहर आ जाएंगे। Help me! वो जंगल, जंगली कुत्ते और खून, बहुत सारा खून है। एक मिनट, कौन है आप? क्या हुआ है? शांत हो जाओ, बैठो बैठो। पानी पियो। आप बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? सुनसान सी जगह पर वो रिका सीट रहे थे और जंगली कुत्ते जंगल में बहुत बहुत सारा खून। कहाँ देखा आपने खून? मुझे मार डालेंगे। आप वहाँ जंगल में कैसे पहुंचे? किसी ने पकड़ रखा था आपको वहाँ पे? घुंघरू पहनती हाल ही में कुछ मर्डर्स हुए हैं जो किसी औरत ने किए थे। मेरे चाचू मरण बन के सबका खून करते।
क्या? वो मेरे ईमान चाचू है। वो औरत एक आदमी है, आपके चाचा ईमान। मतलब एक आदमी औरत बन के घूम रहा है, उसी ने तुमको मारा? मेरे ईमान चाचू वो खतरनाक औरत बन के सबका खून करते हैं। कल भी यही हुआ, चाचू किसी को पूरे में डाल कर ले जा रहे थे। बड़ी अजीब बात है ये, एक आदमी औरत के कपड़े पहनकर लोगों को मार दिया। कल रात भी किसी को मारकर उसकी लाश बोरे में लेके चला गया है। इनके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ दिए। कहानी थोड़ी अजीब लग रही है। सर ये कहानी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हम तुम्हारी बात। अब बताओ कहाँ है तुम्हारा बंगलो और तुम्हारे ईमान चाचा? सर यही वो जगह है जहाँ से बोरी घसीटते हुए वो बाहर लेकर गए थे और यहाँ पे खून के निशान भी थे। पर और सर हाँ, मैं शनाया से टकराई थी तब भी खून के निशान थे, जिसको देखते हुए मैं बाहर तक गई थी। तुम्हारे कहने के मुताबिक यहाँ जो खून था वो पूरा साफ किया गया, सारे सबूत मिटाए गए ताकि ईमान चाचा को बचाया जाए, है? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। अरे कौन है आप लोग? मोहिनी तुम कहाँ चली गई थी? मोहिनी पता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा, और ये सब कैसे हो गया? और ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी? और मोहिनी ने हमें बताया कि उसकी हालत यहाँ रहने वाले ईमान चाचा ने किया। सुना है ईमान अपना भेष बदल कर लड़कियों की तरह बनके लोगों का खून करता है। तो बताओ क्या ये औरत तुम्हारे ईमान चाचा ही है? मोहिनी ने उसे अपनी आंखों से घर से एक बोरी में लाश ले जाते हुए देखा है और इस पर खुद हमला हुआ है। कहाँ है ईमान? छुपा के रखा है उसे? घर में से किसी को मारा है ना उसने? देखिए देखिए सर। सर ये बात बिल्कुल सच है सर। सर इन लोगों को सब कुछ पता है। सर आप प्लीज इन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। आप कौन है? मैं नेम शनाया, मैं मोहिनी की दूर की कजिन हूँ, इंडिया घूमने के लिए आई हूँ। तुमने अभी अभी बताया ना कि इन लोगों को सब कुछ पता है, क्या पता है इनको? कल रात में यहाँ किसी का खून हुआ, जब मैंने कुछ बोलने की कोशिश की सर तो उन्होंने यहाँ से खून साफ करके इन्होंने मुझे चुपचाप बैठने को बोला। इन लोगों ने मोहिनी को भी ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की सर। आपके सामने इन लोगों ने खून साफ किया? जी सर, और मुझे वापस भेजने की कोई बात कर रहे थे ये लोग। बहुत ही खूनी खानदान है सर, एक खून करता है और दूसरा साफ कर देता है। सबूत क्यों मिटाया तुम लोगों ने? मालूम है ना ये भी एक गुनाह है। किसने साफ किया खून, किसने किया? सर वो हम तीनों ने मिलकर खून साफ किया। वाह, आप नहीं जानते हिमान चाचा को किसकी मौत आई थी जो ऐसे ही छोड़ देते? क्या वो सच में औरतों के कपड़े पहन के घूमता है? सर हिमान भैया औरतों के नहीं, अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उन्हें वो मार डालते हैं। क्या वजह क्या है? सर हिमांग के दिमाग में एक बात अटक गई है, वो अपनी माँ रसीली के कपड़े पहनते और लोगों को वैसे ही मारते हैं जैसे उनके पिता ने उनकी माँ को मारा था। हिमान भैया तब एक छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपनी आंखों से हमारी माँ का खून होते हुए देखा, तब से ये सदमा उनके दिमाग में बैठ गया। अब बताइए कौन आएगा हिमान चाचा के रास्ते में? और वो सर वो ठीक नहीं है, हम कैसे उन्हें जेल में डाल दें? और कल से तो वापस भी नहीं आए। तुम्हारा ये हिमान चाचा किसी की लाश को घसीटते हुए यहाँ से लेकर गया, उसने घर में से किसी को मारा और तुम लोग सारे के सारे मुंह बंद करके बैठे हो। वो किसी को भी कभी भी मार सकता है, आप लोगों को डर नहीं लगता? ऐसा नहीं है, हिमान ने आज तक किसी भी घर के सदस्य के ऊपर हमला नहीं किया। तो फिर कल रात किसको मारा? किसको मारा है कल रात? सलीना जरा ऊपर आना। हाय मैम। सर सलीना यहाँ के हाउसकीपर,
कल रात से मैंने उसको नहीं देखा। तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? Because I was very scared. मैं इन लोगों से डर गई थी। कहा है सलीना? पता नहीं सर। पता नहीं का क्या मतलब है? जब ये सब हुआ तो आप लोग क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे आप लोग? मैं नींद की दवाई खा के सो रही थी। दवाई खा के? जिसका पति हिमांग जैसा वो दवाई खा के ही सोएगी ना? सर मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। और सर मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला, वो तो मैं शनाया की चीख सुनकर उठा। कमाल है सर, घर में खून हो रहा था और सबके सब सो रहे थे। ठीक है, इस घर की तलाशी लेंगे हम। तो ये है आपका कमरा? जी सर। सर दूध का ग्लास है, नींद की गोलियां खोलकर पीती और सो जाती। दीपक होने दवाई आपको सर। महीन महीन वैसे ईमान को आखिरी बार कब देखा था आपने? सर कल रात 11 बजे जब वो रसीली बनके मुझे डरा रहा था। क्या डरा रहा था? सर मैं आपको क्या बताऊं, सर हिमांग ने मुझे डरा डरा कर इस घर में रखा है। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी को सच्चाई बताऊंगी तो मुझे जान से मार डालेगा। बकवास है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वैसे आग कब खुली आपकी? जब शनाया चिल्लाई थी। बड़ी हल्की किस्म की नींद की गोली लेती है आप? शनाया के चिल्लाने से नींद खुल गई? सर ये देखिए, सर ये कपड़े विग्स ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोहिनी ने कहा था कि उसके हिमान अंकल पहनते हैं। यस सर, ये वही चाचू वाले कपड़े रसीली वाले। श्रेया, सर देखो तो बाथरूम में और कोई ड्रेस है क्या? सर सेलिना के कमरे में तो बहुत कुछ हुआ है। कमाल है, इतना सब कुछ हुआ यहाँ पे और घर वालों ने कुछ सुना ही नहीं। देखिए ना सर, सेलिना को मार दिया, बोरे में डाला, घसीटते हुए बाहर ले गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। सबके सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हिमान को बचाने के चक्कर में ये सब लगे हुए, भगा दिया उसे। और कोई हाउसकीपर को क्यों मारेगा सर? घर में 5-5 लोग और हैं, तो सर सेलिना को क्यों मार? सब कुछ छोड़ दिया, घर में काम करने वाली को मार दिया, कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है सर। चक्कर तो है पंकज, इसने घर के किसी सदस्य को खूनी होने के बावजूद कभी हाथ नहीं लगाया। इसने घर में काम करने वाली नौकरानी का खून किया और उसे मार के यहां से ले गया, और ये मर्डर वेपन यही छोड़ गया। सर वो लाश को छुपाने के चक्कर में भूल गया होगा। सर बाथरूम में कोई कपड़े नहीं है। वैसे ईमान के पास उसकी माँ के, मेरा मतलब है रसीली जी के, कितने ड्रेसेस थे? सर 10। 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये चक्कर कुछ और ही लगता है मुझे। मोहिनी कौन सा ड्रेस पहना था हिमान ने जब वो लाश को बोरी में से घसीट के लेके जा रहा था? सर हरे रंग का ड्रेस था। यहाँ 10 के 10 ड्रेसेस हैं, 10 के 10 हैंगर्स हैं, लेकिन ना कोई हरे रंग का ड्रेस और ना कोई खाली हैंगर। तो फिर ये नया ड्रेस, ये ग्रीन कलर का ड्रेस आया कहाँ से? नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता। श्रेया गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये हरे रंग का ड्रेस, नया ड्रेस,
आया कैसे और कहां से है? यहाँ पे उसने सलीना का खून किया, इसीलिए इतना सारा खून यहाँ पे। क्या गिरा सर? कुछ हल्की सी आवाज थी। पूरा पंकज निकालो। ये माली तो, ये तो मैंने कहीं देखी है। मोनी जी ये देखिए हमारे हाथ क्या लगा है। ये तो कान की बाली है। आपकी है ना? जी, पर वो मोनी तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें होश आया था किसी अनजान किसी सुनसान जगह में, तो फिर तुम्हारी कान की बाली सेलिना के कमरे में कैसे पहुंची? क्या सेलिना ने तुम्हारे कान में से खींच कर निकाली थी क्या? नहीं सर, मुझे सच में नहीं पता ये बाली वहां पहुंची कैसे। सर सबसे आसान हथियार है मुझे नहीं पता। नहीं मैम, मैं सच कह रही हूँ। अरे हाँ सच से याद आया, अभिजीत जरा वो स्विस नाइफ दिखाओ ना। किसका है ये स्विस नाइफ? इसमें तो खून लगा हुआ है। और ये हमें सेलिना के कमरे से मिला है, इसे खूनी ने या यूं कहिए कि हिमान ने इस्तेमाल किया है। ये तो युग का है। हाँ मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था। सर इसकी रसीद भी है मेरे पास, मैं अभी अभी लाता हूँ। मतलब तुमने भी मदद की थी हिमान की? और नहीं तो क्या, ये सब के सब खूनी को बचाने में लगे हुए। तो क्या हुआ अगर ये स्विस नहीं मेरा है तो? मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे नहीं पता कि ये स्विस नाइफ सलीना के कमरे में कैसे पहुंचा। और हाँ मुझे ये भी नहीं पता कि हिमान अंकल ने इसका इस्तेमाल किया है या नहीं। देखो यू, अगर ये साबित हुआ कि ये मर्डर वेपन है तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले होते हो, समझे? बहन ऐसी कौन सी दवाई खिलाते हो तुम अपनी भाभी को? सर वो हिमान भैया के कहने पर दी थी मैंने। ओ, एक डरावने खूनी के साथ रहते हो तुम लोग जो रात को औरतों के कपड़े पहन के सड़क पे घूमता है, लोगों का खून करता है और घर में आके सो जाता है, और एक दिन उसका मूड बदलता है तो घर में काम करने वाली नौकरानी को मारता है और खुद गायब हो जाता है। और गायब हो जाता है कोई ग्रीन ड्रेस पहनकर। मोहिनी सारा सीन देखती है और फिर बेहोश हो जाती है। कहानी पे कहानी सुना तो यार है सब लोग, कोई सच नहीं बोल रहा है। मोहिनी चलो हमारे साथ फोरेंसिक लैब। पर सर मैं ही तो आप लोगों के पास आई थी और आप लोग मुझे पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जिंदा सबूत सिर्फ तुम ही हो हमारे पास। सर क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? एज यू सी मैं यहाँ पर अपने आप को सेफ फील नहीं करती। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मोहिनी क्यों लेकर आई थी सीआईडी को? क्या करेंगे अब हम? क्या होगा अब हमारा? होगा क्या, पहले हम हिमान चाचा की दहशत में जीते थे और अब सीआईडी कब किसे पकड़ ले जाए उस डर में जिएंगे। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज तक हम हिमान भैया की मदद करते आ रहे हैं, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस खून में उनकी मदद किसने की? भाभी अपनी जान बचाने के चक्कर में आपने हिमान भैया की मदद की, क्योंकि अकेले वो सेलिना की लाश ले जा नहीं सकते, इसीलिए सीआईडी हम पर शक कर रही है। बिना सोचे समझे तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, भला मैं क्यों मदद करूंगी उसकी? मुझे तो आज भी याद है हिमान का वो खिलौना रूप, जब मुझे पहली बार पता चला था कि वो है क्या। घूर क्यों रही हो? दो दिन हुए नहीं है शादी को और अभी से पति को घूरने लगी क्यों भाई?
हिमान बात को घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। क्या हो गया था तुम्हें उस शोरूम में? तुम पिंक ड्रेस देखकर औरतों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे थे? शर्म से गड़ी जा रही थी और तुम्हारी आवाज को क्या हो गया था? और तुमने दहलीशा को चांटा मार दिया? हिमान ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? हिमान मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ हिमान? गाड़ी क्यों रोक दी? दुपट्टा वही है ना जो सगाई के बाद पहली बार शॉपिंग के लिए गए थे तब मैंने तुम्हें दिलाया था। अच्छा है, लेकिन जिस तरह से पहना है वो अच्छा नहीं। मैं बताऊं कैसे पहनते हैं इसे? इसे ना ऐसे लेते हैं, इसे ऐसे लेते हैं। हिमान छोड़ो, हिमान मैं मर जाऊंगी। हिमान दोबारा मत पूछना मैंने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। बताया क्यों? क्योंकि रसीली ले ली जान जानी कर। साल से उस आदमी के डर के साए में जी रही हूं मैं, और तुम कह रहे हो कि मैं मदद करूंगी उसकी। तुम युग से क्यों नहीं पूछते? अपना बिजनेस शुरू करने के लिए हिमान के पैरों में गिरा रहता था, और वो छुरी भी तो इसी की है। हो सकता है कि कुछ पैसे कमाने के लिए इसने हिमान की मदद की हो। बस सानिया चाची, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएगी। अरे जैसा सानिया चाची कह रही है वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? आपको क्या लगता है हिमान चाचा की इतनी मार खाने के बाद भी मैं उनकी मदद करूंगा? उनका भतीजा होने के बाद भी, उनके बेटे जैसा होने के बाद भी उन्होंने जो मेरी बेइज्जती की है ना, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? भैया भैया युग को माफ कर दीजिए, बच्चा है। बच्चा तो क्या, कुछ भी मांगेगा, पैसे मांगेगा हाथ फैलाकर, और क्या सोचा मैं दे दूंगा? दोबारा पैसे मत मांगना मुझसे, समझा? चल जा। चाचू अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो मैं छोटा सा बिजनेस डाल पाऊंगा, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बस थोड़े से। चले जाओ चुपचाप यहाँ से। सीली से पैसे मांगेगा? चाहिए रसीली तुझे पैसे देगी? नहीं पैसे, पैसे ले ले ले। चाचू मुझे नहीं चाहिए पैसे चाचू। मेरे बस में होता ना तो हिमान चाचा कब के जेल में होते? और आप महीन चाचा? महीन चाचा क्या, जायदाद पाने के चक्कर में आप दिन रात हिमान चाचा के आगे पीछे घूमते रहते थे, उनके हर एक गुनाह पे पर्दा डालने वाले आप। शट अप! हिमान भैया की मदद करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ की पाई पाई उनके नाम पर है और हम उनके टुकड़ों पर बन रहे, वरना मैं कभी उन्हें बचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे आप तो आज भी सीआईडी को कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। अगर मुझे पता होता कि ईमान भैया कहाँ है तो मैं तुरंत जाकर सीआईडी को बता देता। इस घर में जो मेरे साथ हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता।
मेरी पत्नी प्रिया के साथ क्या हुआ था? ओहो, क्या कर रही हो प्रिया? तुम्हें ऊपर खड़ा रहने को थोड़ी ना कहा था? आओ रसीली मम्मी के पास आओ। अरे छोटे छोटे कदम नहीं, बड़ी हो ना तुम, बड़े कदम लो, आओ जल्दी 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 आओ। प्लीज ईमान भैया, मैं गिर जाऊंगी। हाँ, गिर जाओगी। प्लीज मुझे नीचे उतारिए। नीचे उतारूं? लो लो मेरा हाथ लो, उस तरफ उतारूं? नहीं तो आ। ये क्या कर रहे हो तुम? उतरो नीचे। नहीं नहीं भैया, भैया मेरी पत्नी है, उसे उतारिए, गिर जाएगी वो। तुम्हारी पत्नी ने रसीली मम्मी को परेशान किया है। रसीली मम्मी के गहने और कपड़े छूने के गुस्ताखे किए हैं, तो मिलेगी। आओ भैया, भैया आप हिमान हो, हिमान रसीली नहीं, वो हमारी माँ थी, समझ क्यों नहीं रहे आप? वो कपड़े और गहने आपके नहीं है, आप इससे बाहर निकलिए। मैं रसीली मम्मी हूँ, अब सिर्फ चलोगी नहीं, नाचोगे तुम, नाचो। ये जो दर्द उन्होंने मुझे दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। अगर मेरा बस चलता तो उस दिन हिमान भैया गिरते, प्रिया नहीं। मैं भैया को कभी नहीं बचाता, पर कल रात क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अरे खून तो हिमान भैया ने किया ना, लेकिन सीआईडी की नजरें हम पर क्यों गड़ी हुई है? कपड़ों से कुछ पता चला डॉक्टर तारिका? हाँ पता तो चला है, लेकिन संजीत बताने के लिए मेरे पास भी कुछ है, थोड़ा वक्त दो अभी बताता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, टेक योर टाइम। आप क्या बता रही थी? मोहिनी के कपड़ों पे से मुझे तेल की कुछ बूंदे मिली है, ऐसा तेल जो कार में इस्तेमाल किया जाता, लुब्रिकेंट। लेकिन सर जंगल में लुब्रिकेंट कहाँ से लगा होगा मोहिनी के कपड़ों पे? और दूसरी बात ये कि उन कपड़ों पे से दो लोगों के खून के निशान मिले। कपड़ों पे दो लोगों के खून के निशान और लुब्रिकेंट, तो मोहिनी थी कहाँ? थी कहाँ ये तो आप लोग पता करो, लेकिन एक बात पक्की है, मोहिनी के कपड़ों पर मोहिनी के खून के अलावा एक आदमी का खून भी है, वही खून इस चाकू पर भी है। इस पे सलीना का खून नहीं है? सलीना की बात छोड़ो, किसी भी औरत का खून नहीं है। फिर किसका है? जंगली कुत्तों का? अरे सर मोहिनी ने कहा था ना जंगली कुत्ते थे। इस चाकू पर 40 से 45 साल की उम्र के आदमी का खून है। आओ दिखाता हूं। ये देखो, ये मोहिनी का डीएनए है, और यहां देखो ये है उस आदमी का डीएनए। ये कैसे हो सकता है? उस घर से तो सलीना गायब है, तो ये आदमी का खून कहां से आया? ये मोहिनी के कपड़ों में ऑयल के दाग मिले, तो कहीं हिमान उसी कार में तो लेकर नहीं गया था जिसमें वो लाश लेके गया था? और लाश अगर सेलिना की थी तो फिर ये 40-45 साल के आदमी की लाश कहां से आ गई? मोहिनी को लेकर आओ। हो सकता है कार में कोई और भी लाश हो, किसी आदमी की लाश,
या फिर वहां पे लाश हो जहां पे उसने लाश को ठिकाने लगाया। अगर ऐसा है तो हमें वहां पहुंचना होगा जहां हिमान सेलिना को ले गया। जी सर। मोनी, तुमने हमसे सब कुछ सच सच बताया ना, कुछ छुपाया तो नहीं? सर, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मैं आप लोगों से क्यों कुछ छुपाऊंगी? अच्छा एक बात बताओ, बंगलों के बाहर जब किसी ने तुम्हारे सिर पे वार करके तुम्हें बेहोश किया, फिर तुम्हारी आंख कहाँ पे खुली? सर, यही वो जगह थी, वहां से मैं निकल कर आई थी और यहाँ कर मैंने लिफ्ट मांगी थी। अंदर चल के देखते हैं, अगर तुम सच कह रही हो तो कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। पर सर, मैं कह नहीं सकती कि वहाँ पे सबूत बाकी होंगे या नहीं। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहती नहीं हो कि हम वहाँ जाएं। सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ, तुम यही थी। चलो देखते हैं। मोनी, तुम और सेलिना की लाश लगभग एक साथ गायब हुए थे, तो सवाल ये उठता है कोई तुम्हें इतनी दूर जंगल में लाएगा क्यों? किसी कारण से लाया होगा ना, शायद लाश के साथ साथ तुम्हें भी टिकाने लगाने। और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया। कितनी दूर भागी थी तुम जंगल से सड़क तक पहुंचने के लिए? सर, जहां तक मुझे याद है 20-25 कदम बस, और उसके बाद रोड आ गई थी। 20-25 कदम, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी अजीब है। कुछ याद है, कुछ याद नहीं है। ये कुछ नहीं वाला याद है या याद वाला याद है? सीआईडी से सच बोलोगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अभिजीत, सूखे पत्ते डाले गए, लगता है गड्ढे को छुपाने की कोशिश की गई है। अरे मैडम, इसे हमने अभी तक खोला भी नहीं है। देखते हैं। ओह नो, लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। ये सेलिना की लाश तो नहीं हो सकती, तो किसी आदमी की लाश है। पर सर, ऐसे कैसे हो सकता है? उन तो सेलिना का हुआ है ना। तो फिर आदमी की लाश कैसे आ गई अंदर? मुझे कुछ नहीं पता। सेलिना के साथ तो सिर्फ एक ही आदमी था, ईमान। तो फिर सेलिना कहाँ गई, उसका क्या हुआ? एक काम करते हैं, इन चारों सस्पेक्ट पर नजर रखते हैं। रेडी श्रेया, इन चारों के फोन रिकॉर्ड लोकेशन सब खंगाल डालो। केस घर के अंदर का ही है और राज भी वहीं से खुलेगा। हाँ दे, अभी गाड़ी निकली है XQ05LM8967, 2 मिनट में तुम्हें सामने मिलेगी। ठीक है। यस सर, चलो। अगर हमसे सवाल कर ले, आप लोग हमें फंसाना चाहते हो क्या? सर, आप लोगों को तो मैं ही बुला कर लाई थी ना, फिर भी खूनी घर के बाहर है, लाश घर के बाहर है, आप लोग बार बार वापस यहाँ चले आते? क्योंकि तुम लोग घर के अंदर हो, जिंदा हो, इसलिए, समझे? पर तुम्हारी किसी भी बात पर हमें भरोसा नहीं है। सर ठीक है, आप लोगों को हम पे भरोसा नहीं है, पर आप हिमान चाचा को क्यों नहीं पकड़ते? बिल्कुल, घूम करके तो वो भागे, हम तो यहाँ डर के मारे छुप रहे हैं। वही तो बात है, अभी अभी कुछ ऐसा हो गया कि ये केस सिर के बल उलट गया है। क्या मतलब है सर? मान भैया तो खून करके ही भागे हैं ना? हाँ हाँ, भागे तो है, पर कैसे? खुद को मार कर, खुद का सिर काट कर, खुद को बोरी में बंद करके भागे हैं। क्या
वो जो बोरे में लाश थी वो हिमान की थी? तो वो औरत कौन थी? याद है मैंने कहा था, हिमान के अगर सारे कपड़े हैंगर पर हैं, तो फिर वो क्या पहन कर गया था जब वो सेलिना की लाश को लेकर गया? हमें तभी लग गया था कि ये भ्रम और सच्चाई के बीच का खेल है जो किसी ने खेला है। मोहिनी और शनाया को छलावा दिया गया था। सेलिना तो कभी मरी नहीं थी और हिमान लाश बनकर इस घर से बाहर गया था बोरी में। किसने किया ये? युग ने, जिसके चाकू से हिमान का गला काटा गया? या सानिया जी आपने, जो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी? या मोनी तुमने, जिसे मारने का मन हिमान पहले से ही बना चुका था? और हाँ, महन जी भी तो हो सकते हैं, जिसने अपनी भाभी को न जाने कौन सी दवाई पिला के सुला दिया, जिसे मरते पति की चीखें भी नहीं सुनाई दी। सर, युग ने किया होगा ये। मैंने, उसे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे जो चाचू ने मना कर दिए थे। नहीं, सानिया भाभी होंगी, क्या पता नींद की दवाई दूध में मिलाकर भैया को पिला दियो और फिर उन्हें नींद में ही मार दिया। तुम चुप करो, मैं क्यों होंगी? मोहिनी होगी, वैसे भी इसको मारने की कोशिश तो की थी ना। चाची, मैंने मारा? महेश चाचा भी तो हो सकता है ना, हिमान चाचा ने इनकी बीवी को छत से धक्का दे दिया था। चुप रहो सब लोग, हम जानते हैं कौन लेकर गया था हिमान की लाश को बोरी में। श्रेया, वो सेलिना थी जिसके मर्डर की जांच कर रहे थे हम लोग। सेलिना जिंदा है और न जाने ऐसी कौन सी डोर है जिसने जुर्म करने के बाद भी सेलिना जी को यहां से भागने नहीं दिया। क्यों सेलिना जी, हाँ बताएंगे? I'm sorry, हमने बहुत प्लानिंग की, सब पे डाला, लेकिन फिर भी पकड़े गए। चुप करो। महेश चाचा, सब कुछ खराब कर दिया तुमने। हाँ, मगर ठीक तो हमने कर दिया ना। जब हमें हिमान की लाश मिली तब हम ढूंढने लगे कि ये बोरे में लाश कौन लेकर गया होगा, इसलिए हमने तुम सब के फोन ट्रैक करना शुरू कर दिए। और सेलिना ने अपने मरने के बाद पहला फोन किया तुम्हें। बस हम सेलिना तक पहुंच गए, तुम्हारा भांडा फूट गया। मैं नहीं मारा हिमान भैया को, उनकी इस बीमारी से छुटकारा पाने और अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए मैंने ये किया। हिमान भैया, हिमान नहीं, हमारी माँ रसीली में फंसे हुए एक दिमागी बीमार खूनी थे। हम सिर्फ सर पर छत और खाने की रोटी के लिए उन्हें सह रहे थे। तो खून कर दोगे तुम? मारना कोई नहीं चाहता है सर, सालों से हम और बाहर के लोग भैया के जुल्म सह रहे थे। कहीं तो रोकना था ना सर, किसी को तो रोकना था ना। युग, मोहिनी, सानिया भाभी ये सब नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने किया सेलिना के साथ मिलकर। ईमान के जुल्म को रोकने के लिए और भी तरीके थे, उनका इलाज करवा सकते थे, तुम लोग हमारे पास आ सकते थे। एक बीमार खूनी को मार के तुम भी तो खूनी बन गए। और सेलिना, तुमने इस घिनौने जुर्म में उसका साथ दिया, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी ही होगी तुम दोनों को। 6 साल पहले कुछ पागल दिमाग लुटेरों ने एक प्लान बनाया। लुटेरे 4 थे, न जाने कौन सी फिल्म देखकर आए थे, चेहरा कैसे छुपाना है उन्हें अच्छी तरह से मालूम था। चारों के चारों दिन दहाड़े एक बैंक में घुस गए।
सब अपनी जगह पर आएंगे। नीचे बैठ। कोई नहीं लेगा। नीचे बैठ। फोन से दूर। चल बाहर निकल। कोई नहीं लेगा। निकल। सब अपनी जगह पर रहेंगे। तू भी निकल। निकल से। नीचे बैठ। नहीं, कोई अपने फोन को हाथ नहीं लगाएगा। ए तू रुक। बैठ वरना गोली मार दूंगा। इधर बैठ। तो समझ में नहीं आता क्या? तब तो बोला ना लेटने के लिए। किसी ने भी हमारे बीच में आने की कोशिश की ना, कोई नहीं लेगा। गोली मार दूंगा, लाशें बिछा दूंगा यहाँ पर। कोई नहीं हिलेगा। चल पैसा निकाल। जल्दी बैंक का पैसा। जैसा कह रहा हूँ ना वैसा कर वरना गोली मार दूंगा। पैसा निकाल, जल्दी कर। ए हिलना नहीं कोई। बच्चे को चुप कराओ। क्या किया तूने? अलार्म बजाए तूने? नहीं, वो गलती से। अब तू मरेगी। मुझे माफ कर दो। के गोले हर तरफ सोले। संभाल के, बहुत खतरनाक है। अरे तुम तो वही हो ना जो बैंक डकैती में घायल हो गई थी? हाँ, और इस दिन का मैं 6 सालों से इंतजार कर रही थी। इस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो 6 साल बाद हिंदुस्तान आ ही गया। लेकिन जो आदमी इतने दिनों तक पुलिस के हाथ में नहीं आया वो कोई मामूली आदमी नहीं है। आपके लिए खतरा हो सकता है। वो चलती हुई गोली जो उसने मेरे चेहरे पर दागी थी उसकी जलन आज तक मेरे सीने में। अब तो वक्त आ गया। ए, रुक जा मैं ठोक दूंगा। रुक। ए, यहाँ क्या कर रहे हो? हटा। साइड। अरे मर गई क्या? हाँ मार दिया उसको, अलार्म बजाया था उसने। चल अब निकलते। चल मगर मिस्टर विंदो अभी भी अंदर है। दे उसको छोड़, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। चल अब मैं लेने जाऊं? चुपचाप चल वरना तुझे भी गोली मार दूंगा। चल अब चल। ए क्या इस बैग में? कुछ नहीं है तो छिपा क्यों रहा है? दिखा। इतना खजाना छिपा के रखा और बोल रहा है कुछ नहीं है। ये मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचा के रखा, उसे जमा करवाने आया था। प्लीज इसे पकड़ ले। सारा पैसा बेटी की शादी में खर्चा कर देगा तो हमारा क्या होगा? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू होने दे। चल नहीं बैठे रहे वरना गोली मार दूंगा। चल बे। चल चल चल। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे पैसे लौटा दो। छह साल पहले तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की थी और अब 6 साल बाद
उस लड़की ने अलार्म बजा के मरवा दिया। पुलिस छोड़ेगी नहीं अब हमें, अब क्या करें? ले तू, मैं, हाँ तू इधर आ, इधर आ। मैंने कुछ 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 नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? लेकिन अब हमारे लिए करेगी। ए, कोई आगे नहीं आएगा। नहीं, मुझे छोड़ दे प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मेरी हेल्प करो। पीछे जा, चल बे, चल निकल जा। चल, कोई आगे नहीं आएगा। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे जाने दो। ये क्या? मुझे छोड़ के भाग गए वो लोग। अब मैं क्या करूं? पुलिस आ गई। बेहोश है, एम्बुलेंस बुला जल्दी। सर जिसको गोली लगी वो अंदर है यहाँ पे। दो डाकू भाग है, एक अभी भी है। कहाँ है? उधर लॉकर रूम में, चेक करो। संभाल के लेना। चलिए आप लोग उधर हटिए, हटिए आप लोग वहां से, चलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, हटिए वहां, चलिए उधर। सर अंदर कोई नहीं है, सिर्फ ये पड़ा है। पीछे से बाहर जाने का कोई रास्ता है क्या? नहीं साहब, बैंक में आने जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। इसका मतलब वो यहीं कहीं छिपा है। अरे चलिए हटिए, 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 एम्बुलेंस आ गई, जल्दी उठाइए भाई, जल्दी जल्दी, ध्यान से, ध्यान से। यही है वो तीसरा डाकू, यही है, पकड़ो, पकड़ो इसको, मारो, मारो, छोड़ के चले गए मुझे वो लोग, नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। चुप कर वरना गोली मार दूंगा। इधर से ले, इधर से। अबे गाड़ी जल्दी भगा, पुलिस सबसे ज्यादा दूर नहीं है। हाँ बढ़िया, इधर से ले। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो, प्लीज। अबे चुप कर। पुलिस जब तक हमारे पीछे रहेगी तो हमारे साथ ही रहेगी। अबे जल्दी गाड़ी चला। बाप रे, ये दोनों तो सीधे ऊपर वाले के पास चले। थैंक यू चीकू, थैंक यू संजू। ये रुक मर गए। ए तुम कहां जा रहे हो? मुझे मुझे यहां से बाहर निकालो। ए मुझे यहां से बाहर निकालो। आ मेरा पैर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज। मुझे बचा लो, मेरे पैर, मेरे पैर। हर इंसान इस दुनिया में एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, और लगता है तेरी एक्सपायरी डेट अब आ चुकी है। सो गुड बाय। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। गुड बाय। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज।
बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। मैं जानती थी मुझे देखकर तुम बहुत खुश होगे। बहुत खुश? वैसे तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। नाइस कपल। वैसे किसी ने कहा था कि इस दुनिया में हर इंसान एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। हर इंसान इस दुनिया में एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। और तुम्हारा टाइम अब आ गया है। टाइम नहीं है मेरे पास। क्या मतलब है तुम्हारा? एक तो तुम्हारी वजह से इनकी ये हालत हुई है और तुम मेरी मदद भी नहीं कर रहे हो। तेरा पति मर चुका है और मुझे मरना नहीं है। वैसे भी तेरा पति गलत टाइम पे गलत जगह पर था। चल हट। प्लीज हट। कहाँ जा रहे हो? चलो चलो चल। चलो बड़े, अंगूठी की रस्म का समय हो गया। बकवास कर रही हो? विनोद, तुम खुद क्यों नहीं बता देते कि मैं कौन हूं? क्या तुम कहना क्या चाहती हो? यही विनोद कि तुम मेरे पति हो। अरे ये झूठ बोल रही है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं। तुम्हारे लिए सब झूठ है ना विनोद? ये मंगलसूत्र भी झूठ है ना विनोद, जो तुमने मेरे गले में डाला था? सिंदूर, ये सब झूठ है। इनफैक्ट तुम ये कहोगी कि ये पिक्स भी झूठे हैं। देखिए ये पिक्स, सर देखिए, देखिए ये सब झूठ है ना तुम्हारे लिए विनोद? इसका मतलब विनोद तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया? नहीं डैड, ये झूठ बोल रही है। मैं खुद आरी से पहली बार देख रहा हूँ, ये झूठ बोल रही है। तो क्या तस्वीरें भी झूठी हैं? बोल दो, तुमने मुझे धोखा दिया है विनोद। नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं। तुम खुद जानती हो मैं लंदन कभी नहीं गया, तो वहां जाकर फोटो कैसे खिंचवाऊंगा मैं? झूठ बोल रहे हो, एक नंबर के झूठे हो तुम।
सबके सामने हमारी नाक कटा दी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है पापा। अरे कोई मीटर रूम में देखो, जाके देखो ना यार क्या हो गया। हां मैं जाके देखता हूं, देखता हूं मैं। अरे दादा देखो ना पापा, अरे वो आ गया। पांच खूनी एक सवाल, किसने खून किया विनोद की वाइफ का, है कोई जवाब? सर शरीर पे कहीं और कोई घाव का निशान तो नहीं है? फिर तो देख के लगता है कि इसे जहर दिया गया है। हाँ एक बात बताइए, क्या सगाई से पहले नैना ने कुछ खाया पिया था? नहीं सर, हम लोग तो सर घर से ही खा के निकले थे, यहाँ के तो कुछ नहीं खाया सर। यहाँ पर कुछ खाया नहीं तो फिर ये सब हुआ कैसे? सर बीच में अचानक बिजली चली गई थी सर, और जब बिजली वापस आई तो हम लोगों ने देखा कि नैना लाइट जाते ही नैना का खून होना कोई इत्तेफाक नहीं लगता सर। वही तो सर, ये सब उसी औरत की वजह से हुआ होगा सर जो विनोद को अपना पति बता रही थी। और कौन हो, कहाँ है वो? सर वो यहाँ के शोरगुल में कहीं गायब हो गए, वो मुझे अपना पति बता रही थी, पर ये सब झूठ है सर। ये सब तो सर एक सोची समझी साजिश लगती है, वो औरत भी इसी प्लान का हिस्सा होगी। फ्रेडी काम करो, औरत का हुलिया पता करो, सब जगह भेज दो। वैसे लाइट जाने से पहले ये औरत कहाँ खड़ी थी? सर भाई स्टेज पर हम सबके साथ। ये बाकी सारे लोग? बाकी के लोग सर यहीं पर थे, बिजली अचानक चली गई ये देखने के लिए मैं नीचे उतरा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल बगल में से निकल कर ऊपर चढ़ा। सर हो सकता है कि उसी आदमी ने ये जहर वाला इंजेक्शन दिया हो नैना। अभिजीत इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, लाइट्स तभी काटी गई जिस वक्त नैना को जहर देना था। इस होटल का मीटर रूम चेक करते हैं। ताला टूटा है, कोई जबरदस्ती घुसा है यहां पे। हाँ अभिजीत, पहले पावर कट कर दी, फिर अंधेरे का फायदा लेकर नैना को मार दिया गया। सर कम से कम दो लोग तो इन्वॉल्व हैं इस मर्डर में, एक ने यहाँ के लाइट काटी और एक ने खून कर दिया। साहब मैं यहाँ पर मेंटेनेंस का काम संभालता हूँ। बताओ यहाँ पर क्या क्या हुआ था? साहब जब बिजली चली गई थी तो मैं चेक करने के लिए आ रहा था। ए, कौन है, कौन है उधर, कौन है? सर उसने लाल रंग की सैंडल पहनी थी। लगता है हमारे आने से पहले ही गायब हो गई है। वहां पर भाग कर जाएगी कहां? उस सगाई की किसी न किसी फोटो या वीडियो में छप तो गई होगी ये लड़की, पकड़ लेंगे। हाँ ठीक है, नहीं रखती हूँ मैं, नहीं कोई आया है। क्या है, बिल्कुल शांति से नहीं रहने देते, आज तो लगता है घंटी खराब करके छोड़ेंगे।
कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ए चुप, चुप हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। एकदम चुप। अजय कहाँ है? हीरे कहाँ है मेरे? बोल। अजय घर पे नहीं है। और कौन से हीरे? मेरा बीन बैग कहाँ है? वो बीन बैग कहाँ है? मेरा बीन बैग कहाँ छुपा कर रखा है? हाँ? कहाँ है बीन बैग? घर में कोई बीन बैग नहीं है। देख झूठ मत बोल। सिर्फ अजय मेरे घर का पता जानता था और हीरे भी उसी ने चुराए। अब तू बताती है या फिर? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी अजय से शादी हुए सिर्फ एक महीना हुआ है। उससे पहले उसने क्या किया मुझे नहीं पता। अच्छा चल फोन करो उसे। फोन करो, पूछ कहाँ है वो। फोन कर और जरा भी चालाकी की है ना खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल फोन कर। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ है। आप जल्दी घर आ जाइए। बस 15 मिनट में निकल रहा हूँ बाबा। ओके ठीक है। देखो जैसा तुमने बोला था मैंने वैसे करा। देख काम तो तूने बहुत अच्छा किया। प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। पंकज घर क्या रहा है? क्या हुआ पंकज, कुछ पता चला कि नहीं उस लाल लीलवाली लड़की के बारे में? सर वही हमें खूनी तक पहुंचाएगी, जल्दी देखो बस। अरे सरुण के कुछ पता चला क्या? नैना की बॉडी में जहर मिला बस। जहर? एमोकॉक्सिल नाम का जहर है, बहुत ही खतरनाक जहर होता है। बॉडी के अंदर जाते ही मिनटों में असर करता है, इंसान की मौत हो जाती है। मतलब जिसने भी वो जहर दिया नैना के स्टेज पे पहुंचने के बाद ही दिया होगा। नैना स्टेज पर पहुंचने के बाद दिया तो फिर ये जहर दिया कैसे होगा? बस अभी तक इसका पता नहीं लगा है। मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए भेजे हैं, जल्दी पता लग जाएगा। यार जल्दी पता लगा बता दो। सर सर ये देखिए, सर वो रेडमी वाली लड़की। सर तो ये है वो। निकालो इसकी पूरी कुंडली निकालो, देखते हैं। सर इस लड़की का नाम पूजा है और ये विक्टिम थी सर, ये कल्प्रिट नहीं थी। विक्टिम किस केस में? सर जीवन पूंजी बैंक केस में। और ये वहां पे एम्प्लॉय थी। ये लड़की पूजा जीवन पूंजी बैंक में एम्प्लॉय थी। जीवन पूंजी बैंक, देख 6 साल पहले जीवन पूंजी बैंक में डकैती हुई थी। हाँ सर, और डकैती में इसे गोली भी लगी थी सर, इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। पर ये लड़की वहां कर क्या रही थी एंगेजमेंट में, विनोद की एंगेजमेंट में? सर लूट वाले दिन पूजा के साथ साथ 4 जन और थे सर, जिनका कोई ना कोई नुकसान जरूर हुआ था। ये उनकी फोटोग्राफ है सर, ये राकेश, निधि, मोना और संजय। ये आदमी राकेश, ये भी था एंगेजमेंट में। सर मैंने अभी अभी इसकी फोटो देखी है। पंकज जरा फिर से फोटो दिखा। सर ये देखिए, ये राकेश। दया अगर ये राकेश एंगेजमेंट में था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी लोग भी उस वक्त मौजूद थे एंगेजमेंट में? देखो जरा। हाँ सर ये मोना भी तो है। सर ये निधि। सर संजय, सर आपका शक सही निकला, ये सारे लोग थे एंगेजमेंट पार्टी में। तो पांचों के पांच इतने सालों बाद एक ही जगह पर होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पांचों के पांचों एक साथ 6 साल बाद एक ही जगह पर कैसे और क्यों? मुझे पक्का याद है वो मास्टरमाइंड जिसने भी ये डकैती की थी
सारा का सारा माल लेकर भाग गया था, कभी पकड़ा नहीं गया। पर एंगेजमेंट में विनोद ने कहा था कि सर मैं इंडिया 6 साल बाद आया हूँ। सर विनोद 6 साल बाद हिंदुस्तान आया, और ठीक 6 साल पहले ये डकैती हुई थी सर। इन पांचों के बीच की कड़ी है उस डकैती का मास्टरमाइंड, जिसकी वजह से इन पांचों की जिंदगी 6 साल पहले बर्बाद हुई थी। सर कहीं ये मास्टरमाइंड विनोदी तो नहीं? ये पांचों उसे बदला लेना चाहते हो, मारना चाहते थे विनोद को, और गलती से मारी गई नैना। हाँ, इस विनोद की पूरी कुंडली निकालो, उठाओ उसे। सर फोन बंद आ रहा है। अगर उनका निशाना विनोद है तो पांच उसी के पीछे लगे होंगे सर। ये यहाँ पर क्या कर रहा है और लूट का माल लेने कब जाएगा? शांति रख, ये 6 साल बाद इंडिया सिर्फ माल लेने आया है, और जैसे ही अपनी छुपाई हुई जगह तक पहुंचेगा माल हमारा होगा, बदला पूरा। अजय, पहचाना मुझे? तुम यहाँ? रुको, पता मेरा फर्नीचर कहाँ है? विनोद भाई, आप विदेश चले गए थे तो मुझे लगा आप वापस लौट कर नहीं आओगे, तो मुझे पैसे की जरूरत है तो मैंने उसको भेज दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। मेरा वो बीन बैग कहाँ है? कहाँ रखा है तूने वो बीन बैग? विनोद भाई, अब इतने साल हो गए, वो कहाँ याद रहता है। मैंने कहा ना, मैं आप बता कहाँ है वो बीन बैग? एक मिनट, हाँ याद आया। तुम निधि की दोस्त हो, तुम्हें पता है निधि कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग यहाँ मुझे निधि के घर पे क्यों बुलाए हैं? निधि की तलाश है हमें, नैना की मर्डर केस में। मर्डर केस? बात बताओ, विनोद के एंगेजमेंट सेरेमनी में तुम क्यों गई थी? सर मैं तो वहाँ निधि के साथ गई थी, वो निधि और नैना की पुरानी जान पहचान थी। फिर मुझे मेरे घर से फोन आया और मैं वहाँ से चली गई थी। सा? ये तो अंजलि है जो होटल में विनोद की बीवी होने का दावा कर रही थी। इसका मतलब है ये अंजलि और निधि एक दूसरे को जानती थी, और अंजलि ने जो होटल के अंदर नाटक किया वो सारा हमें भटकाने के लिए था। देखो, किसी भी हालत में हमें जल्दी से जल्दी निधि तक पहुंचना है। कहाँ मिलेगी वो इस वक्त? मुझे सच में कुछ नहीं। नहीं, मालूम नहीं चलेगा। बताओ, कुछ तो बताओ। सर वो जरूर अपनी गाड़ी लेके गई होगी, अपनी गाड़ी के बिना कहीं आती जाती नहीं होगी। कौन सी गाड़ी है उसके पास? मौत तो इसकी हीमोकॉक्सिन की वजह से हुई है, लेकिन ये जहर आखिर इसके शरीर में गया कैसे? इसके पूरे शरीर में कहीं कोई ऐसा निशान नहीं है जिसे साबित हो किसे जहर दिया गया। ये जरूर इसे तब दिया गया होगा जब ये स्टेज पे थी, शायद लाइट जाने से पहले। लाइट जाने से? तारिका, रिंग सेरेमनी भी तो तभी हुई थी लाइट जाने से ठीक पहले। सर रिंग सेरेमनी का इसकी मौत से क्या संबंध? एक मिनट, ये देखो तारिका, रिंग सेरेमनी का इसकी मौत से संबंध। हाँ सर। यहाँ छुपा हुआ है जहर अंगूठी में, इसीलिए इसके शरीर पर कहीं कोई निशान नहीं मिला। क्या काम किया है सर, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक अंगूठी से कोई किसी को जहर दे सकता है।
एकदम परफेक्ट मर्डर प्लान है। भाई साहब, ओ भाई साहब, इस आदमी ने आपको बीन बैग बेचा था, वो हमें वापस खरीदना है। सामान एक बार बेच दिया तो उसे वापस नहीं खरीदा जा सकता, समझा? मुझे वो बीन बैग चाहिए, और अगर नहीं मिला ना तो तुम घर वापस नहीं जा पाएगा, समझा? ये अजीब व्यवस्था है भाई, मैं दिन भर में यहाँ इतने सामान खरीदता बेचता हूँ, मुझे क्या पता कि तुम्हारा बीन बैग कौन सा है और कहाँ है, समझाओ भाई इसे। नहीं है विनोद, तूने इसमें हीरे रखे थे? हीरे कहाँ हैं? हीरे चाहिए तो ज्वेलरी शॉप जाओ भाई, ये तो पुरानी फर्नीचर की दुकान है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ज्यादा शांत पत्ती मत कर, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुझसे, पता हीरे का है वरना तेरी दुकान में एक सामान और बढ़ जाएगा। बोल, मैं सच कहता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ तीन तक गिनती गिनूंगा। एक, दो। गोली नहीं चला, बताता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे हीरे मिले, मैंने उन्हें छुपा दिया हुआ। ए, संभल के, हीरे मेरे। हीरे, हीरे। तुम्हें हीरे मिल गया ना, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? तू मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जान चुका है, तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकता। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया ना, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। विनोद, जान प्यारी है तो बिना पीछे मुड़े बंदूक फेंक दो। कौन हो तुम? जैसा कह रही हो वैसा करो वरना गोली मार दूंगी। फेंक रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। तुम भागो यहाँ से। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? क्या किया है मैंने? अच्छा, डकैती वाले दिन एक पल में हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और पूछ रहे हो कि क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? तुमने मेरे पति को मारा है और अब मैं तुम्हें मारूंगी। देखो प्लीज, गोली मत चला। कोई नहीं मारेगा इसे। इसे तो मैं मारूंगा, इसने मेरी सारी जिंदगी की कमाई लूट ली। कितना गिड़गिड़ाया था मैं तेरे आगे, और तेरी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली।
इसको मैं ही मारूंगा। अरे वाह, यहाँ तो पहले से ही भीड़ लगी है। कौन हो तुम? बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है मुझे विनोद से। यू विनोद, अपने पार्टनर को तो पहचानते होंगे ना? इस डकैती में मैं तुम्हारा साथी था, याद है ना? लेकिन तुम मुझे पुलिस के हाथों सड़ने के लिए मत छोड़ आए थे। जेल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने इस पल का इंतजार ना किया हो, लेकिन आज मुझे वो मौका मिला है। मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। राकेश राकेश राकेश, मेरे भाई मेरी बात सुन। देख, मैंने ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं किया। अगर मैं वहां से नहीं निकलता तो सारा माल पुलिस के हाथ लग जाता, और मैंने तेरे हिस्से का माल संभाल कर रखा है। मैं तुझे देने ही वाला था। पहले सुन, इन लोगों से निपट लेते हैं, उसके बाद बंटवारा कर ले। ये हीरे भी तू रख ले। ये ले। इतनी जल्दी भी क्या है माय डियर विनोद? चलो लो, हीरे मेरे हवाले कर दो। कमान। थैंक यू। चलो, सब के सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। तुम पांचों में से किसी ने नैना का खून किया है? तुम सबके पास विनोद को मारने का कोई ना कोई कारण तो था। विनोद ने तुम सबके साथ गलत किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम लोग कानून को अपने हाथ में ले लो। नैना की मौत उसकी अंगूठी में जो जहर था उसकी वजह से हुई है। मतलब साफ है, तुम में से किसी ने उसकी अंगूठी बदली और वहां पे जहर वाली अंगूठी रख दी। हम लोग भी सोच में पड़ गए कि इस विनोद को कैसे पता चला कि वो हीरे बैंक में रखे गए, जबकि वो हीरे बैंक में सिर्फ एक हफ्ता पहले ही आए थे, और उस लॉकर का सही नंबर भी पता था तुम लोगों को, है ना राकेश? जी सर, विनोद ने मुझे बिल्कुल वही लॉकर खोलने के लिए बोला था। यही बात सोच के हैरान है कि जिस लॉकर में हीरे रखे गए थे वो नंबर कौन सा था, वो कैसे पता चला विनोद को? कोई तो था जो उन हीरों के असली मालिक को जानता था। विनोद, तुम तो इनमें से किसी को भी नहीं पहचानते ना, क्योंकि वो तुम्हारे काम के नहीं है, सिवाय एक के। तुमने सिर्फ एक इंसान को पहचाना जो उस दिन बैंक रॉबरी में शामिल था, और लॉकर का नंबर सिर्फ एक आदमी को पता था, और वो है लॉकर मालिक का दोस्त, और वो इंसान थी मोना। नहीं सर, मैं बस वहां पे हीरो के लिए गई थी। मैंने किसी का खून नहीं किया। हमने तो आपसे सिर्फ यही पूछा कि आप बैंक के डकैती में शामिल थी क्या। खून की बात तो आप खुद कर रही हैं। तुमने नैना को मारा? कहां भाग रही? चल, शामिल थी मैं इस प्लान में, और प्लान के मुताबिक मुझे बंदी बनने का नाटक करना था, और ये प्लान मैंने और विनोद ने बनाया था, लेकिन एंड वक्त पर इसने मुझे धोखा दे दिया,
और मुझे वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर ही किसी और से शादी करने जा रहा था। मैं भी उसे उसी तरह तड़पाना चाहती थी जिस तरह ये मुझे तड़पाते हुए उस कार में छोड़ कर गया था। बस इसीलिए मारा मैंने नैना को। बहुत बढ़िया प्लान बनाया था, पर क्या करें, भूल गई तुम कि जुर्म का रास्ता सिर्फ एक ही जगह पे जाकर रुक जाता है, और वो है फांसी का फंदा।